हेलो एंड वेलकम टू एचएम हॉबीस्ट। आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज हम आपको वाटर क्वींस एक्वेरियम में अवेलेबल एक्जॉटिक फिश वैरायटीज को दिखाने वाले हैं। इनमें से कुछ वैरायटीज तो ऐसी हैं जिन्हें शायद इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए शॉप ओनर से इन फिशेज के प्राइस को भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं शॉप के अंदर और शॉप के पहले टैंक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सर आप बताएंगे जरा इस टैंक में कौन सी फिश है? इसमें रेड पैरेट और येलो पैरेट है और एक थाई सिल। ठीक है, तो इनमें अभी क्या साइज होगा इस रेड पैरेट और येलो पैरेट का? ये 3 से 4 इंच के बीच में है। ओके, तो क्या प्राइस रहेगा सर इनका? रेड पैरेट जो है वो आपकी 750 पेयर है, येलो पैरेट 850 पेयर है। ठीक है, तो नेक्स्ट टैंक की तरफ अगर बढ़ते हैं तो मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत सी एक फिश वैरायटी है। इस फिश वैरायटी का क्या नाम होगा सर? मोनोसीबस। मोनोसीबस, ओके। तो वैसे तो मैंने बहुत कम ही शॉप्स पे देखी है, क्या ये आसानी से मिल जाती है क्या? इजीली मिलती तो नहीं है बट अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो इस वक्त इसका क्या साइज होगा और क्या रेट होगा इसका? 5 इंच प्लस है, रेट इसका 1850 पेयर। हम इसे रख किस किस के साथ सकते हैं? सेमी हार्ड, हार्ड में, दोनों में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम की तरफ बढ़ेंगे, ये कौन सी फिश है? जाइंट गुरामी। ठीक है, इसका क्या साइज होगा? इसका 6 इंच प्लस है। ओके, और इनको अभी हम किस किस के साथ रख सकते हैं? सारी हार्ड वैरायटी में चलती है। ओके ओके ओके, क्या रेट होगा इसका? 1850 पेयर। ठीक है, नेक्स्ट टैंक में ये देख रहा हूँ मैं बहुत ही एक्जॉटिक वैरायटी नज़र आ रही है, बताएंगे मुझे इसका नाम क्या है? सिल्वर स्कैट। सिल्वर स्कैट, यानी जो नॉर्मल स्कैट फिश होती थी उसी का ही ये एक और ब्रीड है। ब्रीड है। ओके, तो ये किन के साथ रहती है, मतलब पुरानी वाली स्कैट की तरह ही है इसका नेचर? सेम। ठीक है, तो इसका क्या प्राइस होगा? 1950 पेयर। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका पैरेट फिश है? ये मीडियम साइज के पैरेट है। ठीक है, इनका क्या रेट होगा? इनका 950 पेयर। ठीक, नेक्स्ट मैं जैसा कि समझ पा रहा हूँ ये शॉर्ट बॉडी फ्लावर हॉर्न है, राइट? तो इनका क्या प्राइस होगा सर? ये पीस के हिसाब से है, 350-380 पर पीस है। ओके ओके, तो अभी तो ये साइज छोटा है इनका, इसीलिए शायद आपने 4 से 5 इंच का पीस है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट टैंक की तरफ चलेंगे, ये कौन से फिश है सर? ग्रीन टेरर। ग्रीन टेरर, ये भी सिकलेट की वैरायटी आई थिंक, राइट? सो इनको सिकलेट्स के साथ रख सकते हैं बाकी जितने भी हैं। हाँ जी। ठीक है, क्या प्राइस होगा और क्या साइज है इसका? 250 पेयर है, 3 इंच प्लस है। ठीक है, नेक्स्ट टैंक की तरफ चलते हैं, तो ये कौन से फिश है सर, इसके बारे में बताएंगे मुझे? ये एलिगेटर गार। एलिगेटर गार, इस वक्त क्या साइज है इसका? ये 6 इंच प्लस में है। मैंने तो सुना है ये एलिगेटर गार्ड जो होती है मॉन्स्टर फिश होती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है ये? डिपेंड करता है कि स्पेस कितना मिल रहा है, अगर ज़्यादा स्पेस मिलेगा तो जल्दी बड़ी होगी। ओके ओके, तो अभी इस वक्त कितना साइज है इसका? ये 6 इंच प्लस है। और क्या रेट होगा इसका? 1850 पेयर। ठीक है, नेक्स्ट टैंक की तरफ बढ़ेंगे, ये कौन सी फिश है सर? ये फ्रंटोसा। फ्रंटोसा, ये भी सिकलेट वेराइटी है? हाँ जी। ठीक है, इसका क्या प्राइस होगा सर? इसका प्राइस है आपका 1550 पेयर है। 1550 रुपीज़। हाँ जी। ओके, नेक्स्ट ये कौन सी फिश है? ये ब्लू ओकारा। ब्लू ओकारा, ये क्या सिकलेट वेराइटी में आती है? हाँ जी। ठीक है, तो इसका क्या प्राइस होगा इस वक्त? 480 पेयर। 480। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली? ये वाइट कॉन्वेक्ट। वाइट कॉन्वेक्ट, इनका क्या प्राइस होगा? ये 350 पेयर। ठीक, नेक्स्ट आप इसके बारे में बताइए, मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये एशियाई टिक है। एशियाई टिक, इम्पोर्टेड फिश है ये। ओके, ये कैटफिश वैरायटी में होती है? हाँ जी। ठीक है, इसका क्या प्राइस होगा? ये वाला 1850 पेयर है। और इसको हम रख किस किस के साथ सकते हैं अगर कोई? सेमी हार्ड और सॉफ्ट में आप डाल सकते हो इसको। सेमी हार्ड और सॉफ्ट में रख सकते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट इस फिश के बारे में बताइए सर। ये गोल्डन आर्चर। गोल्डन आर्चर, ठीक है, सो इसको किस किस के साथ रख सकते हैं हम? हार्ड वैरायटी में चलती है ये। सारी हार्ड वैरायटी के साथ चल जाएगी। सेमी हार्ड में भी। ठीक है, क्या प्राइस होगा इसका? इसका 1550। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में बताएंगे मुझे? ये शॉर्ट बॉडी फ्लावर ऑन मिक्स में, सो इसमें अलग अलग कलर्स हैं जैसा मैं देख रहा हूँ, येलो एंड वाइट भी इसमें अवेलेबल है। हाँ जी, और ब्लू भी है। ठीक है, क्या रेट होगा इसका? ये भी 350 पर पीस। 350 पर पीस, ओके। नेक्स्ट टैंक की तरफ बढ़ते हैं, इसके बारे में बताइए सर, ये कौन सी फिश है? ये ऑस्कर। ऑस्कर, कौन सी वाली ऑस्कर है ये वैसे? ये टाइगर ऑस्कर। टाइगर ऑस्कर, क्या साइज है इस वक्त इसका? ये 4 इंच है। 4 इंच का साइज है, क्या रेट है इसका? 250 पेयर। ठीक है, नेक्स्ट टैंक की तरफ बढ़ेंगे, ये कौन सी फिश है? ये सेम ऑस्कर ही है सारी। ओके ओके, तो साइज सेम है इसका? हाँ जी। ठीक है, तो सेम प्राइस होगा। सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी ऑस्कर ही है। हाँ जी।
इनका साइज छोटा है या सेम है? थोड़ा छोटा है उनसे। इनका क्या प्राइस होगा? ये 200 पेयर है। ठीक है, नेक्स्ट इस फिश के बारे में बताइए सर। ये टाइगर शेवल नोस। ओके, और ये क्या मॉन्स्टर कैटेगरी में आती है? हाँ जी। ठीक है, इसका क्या प्राइस होगा? ये आपके पीस के हिसाब से है, 950 पर पीस। और इसके साथ में एक और फिश देख रहा हूँ, इसके बारे में बताइए। ये स्नीगल, ये भी सेम प्राइस है, सेम साइज है। स्नीगल्स? हाँ जी। ओके, सेम प्राइस सेम साइज के आपने बताया। हाँ जी। तो इसको भी हम सभी सिकलेट वगैरह के साथ रख सकते हैं क्या? ठीक है, नेक्स्ट। ये चिकलेट्स हैं। ओके, तो ये सारी मिक्स सिकलेट है? हाँ जी। ओके, इनका क्या प्राइस होगा? 180 पे है। ठीक है, नेक्स्ट। ये स्मॉल साइज में आई थिंक सिकलेट। हाँ जी। इनका क्या प्राइस है? 150 पे है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली बताइए। ये आपकी रेड टेल शार्क। रेड टेल शार्क। ठीक है, क्या प्राइस होगा इसका? ये 180 पे है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम की तरफ हम आ गए हैं, आप बताइए इसके बारे में। ये रेड गोल्ड, रेड गोल्ड कहते हैं इसको। ओके, रेड गोल्ड। ओके, क्या प्राइस होगा इसका सर? ये 60 रुपीस पे है। ठीक है, ये कॉमन गोल्ड फिश में आ जाता है? गोल्ड फिश में आती है, बट इसमें जो रेड एंड वाइट है वो थोड़ी यूनिक वेराइटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट। ये भी सेम वही है, बस साइज थोड़ा बड़ा है, ये 80 रुपीस पे है। ठीक है, 80 रुपीस पे है। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बारे में बताइए। ये रेड कैप गोल्ड फिश की वेराइटी है, सॉफ्ट होती है। ओके ओके, सो क्या रेट होगा इसका? 120 पे है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में बताइए। ये कोई कार्प है। ओके, मिक्स में कोई कार्प है, ये 350 पे है। ठीक है, 350। ठीक है, नेक्स्ट। ओरेंडा गोल्ड। ये ओरेंडा गोल्ड है? हाँ जी। क्या रेट होगा इसका? ये 5 इंच प्लस में है, इसका रेट रहेगा आपका 480 पे। ठीक है, नेक्स्ट इस टैंक की तरफ। ये कौन से फिशेज हैं? ये भी ओरेंडा ही है, रेड कैप ओरेंडा। हाँ हाँ, ये आपका 650 पे है। ठीक, 7 इंच प्लस साइज है। और यहाँ पर ये वाली कौन सी फिशेज? ये मिल्की कार्प है। मिल्की कार्प स्मॉल साइज? स्मॉल साइज, 50 रुपीस पे है। 50 रुपीस पे है। हाँ जी। ओके, तो सर इन फिशेस के बारे में बताइए, कौन सी फिश है? ये यूजली प्लांटेड टैंक में चलती है, डेमिसोनी है। डेमिसोनी। ओके, तो इसका क्या प्राइस रहता है? ये 250 पे है। तो प्लांटेड के जितने भी फिशेस होते हैं उनके साथ रख सकते हैं हम? हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में बताइए। ये बोलिविन रेमिरेजी। बोलिविन रेमिरेजी। ठीक है, इसका क्या प्राइस होगा? ये 550 पेयर है। 550 पेयर। वैसे मैंने ये बहुत कम देखी है, क्या ये मतलब एग्जॉटिक में आती है क्या? हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में बताइए, ये कौन सी फिश है? ये फैंटम है, ये भी प्लांटेड में चलती है। फैंटम फिश, ये प्लांटेड की है? हाँ जी। ओके, क्या प्राइस होगा? 250 पेयर। ठीक है, नेक्स्ट इनके बारे में बताइए। ये टेट्रास की वेराइटी है। हाँ हाँ, ये आपकी रेड आई टेट्रा है, 80 रुपीस पेयर। 80 रुपीस पेयर। ठीक है, नेक्स्ट इन फिशेस के बारे में बताइए। ये भी टेट्रास की ही वेराइटी है, ये 120 पेयर है। ठीक है, और यहाँ पर जो आ जाते हैं इसका? ये येलो ज़ीब्रा है, ये 40 रुपीस 50 रुपीस पेयर आता है साइज़ के हिसाब से। ठीक है, और मैं आपके इस टैंक में देख रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत सी फिश है, इस फिश के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने तो बहुत ही कम देखी है किसी भी शॉप के अंदर, खासतौर पर मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर किसी के पास भी ये फिश होगी, तो बताएंगे इसके बारे में? ये ग्लास कैट फिश है। ग्लास कैट फिश। ओके, सो इसको हम किस किस के साथ रख सकते हैं? नॉर्मली प्लांटेड टैंक में चलती हैं। ओके, छोटी फिशेस के साथ इजीली सर्वाइव कर जाती हैं। तो ये कितना साइज हो जाता है इनका? मैक्सिमम 4 इंच तक चली जाती है इजीली। 4 इंच तक चली जाती है। ओके, बहुत ही खूबसूरत और ट्रांसपेरेंट फिश है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ इनके इंटरनल ऑर्गन्स भी नज़र आ रहे हैं। हाँ जी। तो सर इसका क्या प्राइस होगा? ये 550 पेयर है। 550 पेयर। ओके, नेक्स्ट टाइम की तरफ बढ़ेंगे, ये कौन सी फिशेज हैं? ये ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन। हाँ जी। ये क्या प्लांटेड में आती है? प्लांटेड में आप यूज़ कर सकते हो, वैसे ये सेमी हार्ड में भी चल जाती है। ओके ओके, सेमी हार्ड में चल जाती है। क्या रेट होगा इनका? ये आपका 350 पेयर। ठीक। ये ग्रीन ज़ीब्रा है। हाँ हाँ, 80 रुपीज़ पेयर है, ये 1.5 इंच का साइज़ होता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट इनके बारे में बताइए। ये पिंक ज़ीब्रा, ये कॉमन फिश है, प्लांटेड में चलती है, 40 रुपीज़ पेयर आता है इसका। ओके ओके, ये जो हमने अभी ग्रीन ज़ीब्रा देखी है उन्हीं का ही है? उन्हीं का है, इसी में ग्रीन, ब्लैक, येलो ये सब आता है। ठीक, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। ओके ओके, क्या रेट का हुआ इसका? ग्रीन ज़ीब्रा 80 रुपीज़ पेयर है और पिंक ज़ीब्रा 40 रुपीज़ पेयर है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपका ये बहुत ही बड़ा और बड़ा खूबसूरत सा टैंक आपने सेटअप किया है, मुझे बताएंगे इसके अंदर कौन कौन से फिशेज हैं? इसमें एंजल फिशेज हैं, मार्बल एंजल है, प्लैटिनम एंजल है। अच्छा, ये एंजल फिशेज हैं? हाँ जी, ये मार्बल एंजल और प्लैटिनम एंजल है। ठीक है, तो ये इनका क्या प्राइस होगा इस वक्त? ये 150 रुपीज़ पेयर है बोथ। हाँ जी। ठीक है,
और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपके पास कुछ लॉबस्टर्स भी हैं। हाँ जी, ठीक है, तो लॉबस्टर्स के बारे में एक बार बताएंगे क्योंकि बहुत कम लोगों को जानकारी है लॉबस्टर्स की। रेड लॉबस्टर आप चाहो तो टैंक में रख सकते हो, बट वैसे कम लेवल के पानी में रहते हैं, जैसे पानी का लेवल कम होना चाहिए इनको रखने के लिए। ओके, अगर आप डीप वाटर में रख रहे हो तो उसके लिए आपके टैंक में ऑक्सीजन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, टैंक में ऑक्सीजन प्रॉपर होगा तो डीप वाटर में रख सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। और इसके अलावा ब्लू कलर का भी है आपके पास, ये लॉबस्टर भी मिल जाएगा। इनके क्या प्राइस होंगे? ये आपका 350 रुपीज़ पर पीस है, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो इनका साइज है वो 4 इंच है। दोनों ही का है? हाँ जी, ठीक। इसी टैंक में मैं देख रहा हूँ एरोवाना भी है एक छोटा सा, इसके बारे में बताएंगे क्या साइज है और क्या प्राइस होगा? ये 6 इंच प्लस में है। हाँ हाँ, इसका प्राइस है 750। 750 6 इंच प्लस का है? हाँ जी, ठीक है। तो नेक्स्ट टैंक की तरफ बढ़ते हैं, इनके बारे में बताएंगे कौन सी फिश है? ये आपकी ब्लैक एंड वाइट कोई है। ब्लैक एंड वाइट कोई? हाँ जी, ओके। की वैरायटी है? ओके, सो क्या साइज होगा इनका अभी? ये आपका 7 इंच प्लस है। 7 इंच प्लस, क्या रेट होगा इसका? 950 पे है। 950 पे है, ओके। देखिए बहुत ही छोटी बड़ी क्यूट सी फिश मैं देख रहा हूँ, ये आई थिंक रेड टेल कैटफिश है, राइट जी? ये तो मॉन्स्टर कैटेगरी में आती है, राइट? हाँ जी। तो ये मैक्सिमम कितना बड़ा साइज गेन कर लेती है? मैक्सिमम तो आपका नियर अबाउट मान लो 7 से 8 इंच मिनिमम रहता ही है टैंक के हिसाब से। हाँ हाँ, पॉन्ड वगैरह में डालोगे तो 12 इंच प्लस चली जाती है। ओके, सो इसका क्या प्राइस होगा अभी? ये अभी 3 इंच प्लस में साइज है। हाँ हाँ, 480 पे है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ एक बहुत ही बड़ा टैंक है, इसके अंदर बहुत ही बड़ी साइज की शार्क फिशेज हैं, तो भैया एक बार बताएंगे ये जो शार्क फिश है इनका क्या साइज है और क्या प्राइस पे आप दे रहे हैं? ये 13 इंच प्लस साइज है, ये आपका 950 पेयर। 950 पेयर, ये दोनों अल्बाइनो अल्बाइनो और टाइगर शार्क दोनों का सेम रेट है। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट आ गए हम बेटा सेक्शन में, सो हम बेटास देखेंगे इनके पास कौन कौन सी अवेलेबल है, तो सर बताएंगे इन बेटास के बारे में? ये क्राउन टेल बेटा है। ओके, रेड कलर की क्राउन टेल बेटा। हाँ जी, ओके, सो क्या प्राइस होगा इसका? ये आपका 250 पेयर पीस। 250 पर पीस। नेक्स्ट ये कौन सी बेटा है? सेम क्राउन टेल। क्राउन टेल, इसका ये 350 पर पीस, साइज बड़ा है इसका। ओके, और इसके साथ में ये जो है? सेम प्राइस। सेम प्राइस होगा। ये वाली भी क्राउन टेल ही है? क्राउन टेल है। ठीक है, तो ये जितनी वेराइटीज में देख रहा हूँ ये सारी क्राउन टेल है? ये क्राउन टेल है, ये आपकी हाफ मून है। ये हाफ मून है, ये ब्लू वाली? हाँ जी। ओके, इसका क्या प्राइस होगा? ये 350 पर पीस। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली कौन सी है? ये भी हाफ मून। ये हाफ मून है? हाँ जी। ओके, इसका क्या प्राइस होगा? सेम प्राइस है। और ये जो ब्लू वाली है नेक्स्ट? ये भी सेम प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, ये आपकी बेटा है मिक्स। हाँ? में ये क्राउन टेल मिक्स में बेटा है ये। ठीक है, इसका क्या प्राइस होगा? ये आपका 150 पर पीस। और इसके साथ जो ये रेड वाली मैं देख रहा हूँ, ये 180 पर पीस। 180। नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ आपके पास बहुत ही खूबसूरत ड्रिफ्ट वुड्स भी हैं, इनके बारे में बताएंगे ये क्या साइज़ होगा इनका और क्या प्राइस रहता है इनका? साइज़ इंचेस के हिसाब से आता है। हाँ हाँ। अभी इसमें जो हमारे पास साइज़ है मिनिमम आपका 5 इंच 8 इंच 10 इंच 12 इंच प्लस में आपको साइज़ मिल जाएंगे। ठीक है, प्राइस स्टार्टिंग आप मान लीजिए 350 से हो जाता है इंचेस के हिसाब से। ओके ओके, सो इंचेस के हिसाब से ये सेल आउट होते हैं? हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट हम आ गए हैं इनके फूड सेक्शन में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा खूब सारे फिश फूड और उसके साथ ही उनकी मेडिसिंस भी। अगर फ़िश फूड की बात करेंगे तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ फ़िश फूड आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं वैरायटी ऑफ फ़िश फूड। आपको किसी भी तरह का फ़िश फूड अगर आप चाहिए होगा तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, या आपको हर तरह का फ़िश फूड आपको प्रोवाइड करा देंगे। फ़िश फूड में आपको टेट्राबाइट जैसे एक रेनाउन ब्रांड भी मिल जाता है, साथ ही आपको फ्लावर हॉर्न के लिए हम्पी हेड जैसे ब्रांड भी मिल जाते हैं, और कुछ ऐसे ही एरोवाना स्टिक्स वगैरह भी इनके पास मिल जाएंगी, या कोई टर्टल के लिए लेना हो या किसी भी सिक्लिड वैरायटी के लिए लेना हो। साथ ही आपको कैनिस्टर फिल्टर के साथ साथ अलग अलग फिल्टर्स, फिल्टर मीडिया और अलग एसेसरीज भी मिल जाएंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोबो के साइलेंट एयर पंप्स भी हैं और हैंग ऑन बैक फिल्टर्स भी हैं, ये सारी वैरायटीज आपको इस शॉप में प्रोवाइड हो जाएगी।